Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Pallava's architecture. Pallava's architecture के अलावा हम लोग महाबलीपुरम temples के बारे में discussion करेंगे और Pallava's की literature and education के बारे में discussion करेंगे. So start करते हैं with Pallava's temple architecture. अगर Pallava's का temple architecture हम लोग देखें तो उसको हम दो parts में divide कर सकते हैं. तो पहले के इनके टेम्पल्स हैं, देवर रॉक कट टेम्पल्स. देन अगले फेज में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने शुरू हुए. अब रॉक कट टेम्पल्स में भी दो ग्रुप के टेम्पल्स हैं. पहला ग्रुप जो है दैट इज नोन एज महेंद्र वर्मन ग्रुप, सेकंड इज नरसिम्हा वर्मन ग्रुप. और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में राजसिम्हा ग्रुप, जिसको नरसिम्हा वर्मन टू ग्रुप भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया नंदी वर्मन टू ग्रुप. हम लोग इनके बारे में आगे जानकारी लेते हैं, सारे ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि पल्लवा का जो बेसिक ये आर्किटेक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है दैट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द्रविडियन स्टाइल. द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर के को बाद में इम्प्रूव किया चोलाज ने, और उसमें बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट हुई जब विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ. सो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब मेजर उसमें डायनेस्टीज रही. देन जो स्टार्टिंग का अगर पल्लवा का आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं, तब टेम्पल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, बिकॉज मेजरली हमने देखा कि केव आर्किटेक्चर ही यूज हो रहा था पहले, तो केव टेम्पल्स बनाए जा रहे थे. इसीलिए टेम्पल्स सिंपल थे और सिर्फ एक गर्भगृह होता था और एक पिलर्ड हॉल होता था. इन टेम्पल्स को पहले मंडपम बोला जाता था. देन बाद के टेम्पल हम अगर देखें तो उसमें गर्भगृह भी बनना, गर्भगृह तो था ही, साथ के साथ पिरामिडल विमान भी बनना शुरू हो गया. देन शिखर भी इसमें बन रहा था. अब शिखर जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का है वो अलग होता है और द्रविड़ियन टेम्पल में शिखर अलग होता है. तो जैसे जैसे हम लोग आगे देखें तो शिखर भी हम लोग देख लेंगे इसमें. देन अंतराल, जो कि इनर एनक्लोजर बोला जाता है जिसको. देन मंडप को भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है, महामंडप एंड अर्धमंडप. देन प्राकर, प्राकर हो गया सरकम एम्बुलेटरी पैसेज जो बनाया जिसमें परिक्रमा ली जाती है, तो वो प्राकर भी बाद में बनना शुरू हो गया. और गोपुरम, गोपुरम हो गया एंट्रेंस, तो गेटवे जो है टेम्पल का जहां से एंटर करेंगे श्रद्धालु उसको गोपुरम बोला जाता है. तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में अगर देख लें तो जो शिखर है दैट इज अ डूम शेप्ड क्राउनिंग कैप. तो विमान के ऊपर जो एक डूम शेप्ड जो कैप बनी हुई है दैट इज कॉल्ड एज शिखर. लेकिन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में लगभग विमान को ही शिखर बोला जाता है, लेकिन दोनों का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो डिफरेंट है. विमान पिरामिडल है, शिखर थोड़ा सर्कुलर बनता था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. लेकिन जो शिखर साउथ इंडियन टेम्पल का अगर हम देख लें तो जो विमान के ऊपर जो डूम शेप्ड क्राउनिंग कैप बनी हुई है, क्राउन बना हुआ है, दैट इज नोन एज शिखर. तो आगे हम लोग देख लेंगे टेम्पल, जब हम कोई देखेंगे तो टेम्पल में हम समझेंगे शिखर क्या है. देन महेंद्र वर्मन ग्रुप के बारे में थोड़ा देखते हैं. सो महेंद्र वर्मन ग्रुप के जो रॉक कट टेम्पल्स थे इनमें हार्ड रॉक का यूज किया गया. सो ग्रेनाइट और नीस जैसे हार्ड रॉक्स का यूज हुआ, दैट मीन्स इसके ऊपर कारीगरी करनी काफी डिफिकल्ट रही होगी. तो जो टेम्पल बिल्डिंग में ये इनोवेशन महेंद्र वर्मन ने किया, इसी के लिए महेंद्र वर्मन को टाइटल दिया जाता है विचित्र चित्ता. सो विचित्र चित्ता टाइटल किस राजा को दिया गया? महेंद्र वर्मन वन. आगे देखते हैं इस ग्रुप के बारे में. तो काफी सारे केव टेम्पल्स बनवाए थे महेंद्र वर्मन वन ने. तो उसमें शायद सबसे जो स्टार्टिंग के टेम्पल्स में से एक टेम्पल लक्षिता यत्ना टेम्पल बोला जाता है, जिसको त्रिमूर्ति केव टेम्पल भी बोला जाता है. लोकेटेड कहाँ है? मंडका पट्टू. सो मंडका पट्टू में ये लोकेटेड है. और इसमें जो हमने पहले देखा कि बिल्कुल ही बेसिक आर्किटेक्चर है उसका यूज हुआ है, गर्भगृह और मंडप के अलावा इसमें कुछ ज्यादा आर्किटेक्चर नहीं था. लेकिन इसमें ये काफी प्राइड लेते हैं महेंद्र वर्मन वन. एक इंस्क्रिप्शन इनकी मिलती है यहाँ पर टेम्पल में, जिसमें ये बोलते हैं कि इन्होंने ब्रिक्स, टिम्बर और प्लास्टर, इन सब चीजों को छोड़ के, जो कि ट्रेडिशनल मटेरियल था यूज करते थे टेम्पल आर्किटेक्चर में, उसको छोड़ के इन्होंने एक नई टेक्निक का यूज किया है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए. देन हार्ड स्टोन था, तो हमने पहले बोला कि काफी डिफिकल्ट रहा होगा इसमें काम करना, और डिफिकल्टी के साथ साथ इसमें स्किल्स की भी काफी जरूरत रही होगी और टाइम भी ज्यादा लगा होगा. अब इन्हीं कारणों से जो इनके बीम्स इसमें यूज हो रहे थे, ब्रैकेट्स का यूज हो रहा है, पिलर्स का यूज हो रहा है, ये काफी छोटे थे और स्कल्पचर भी इसमें काफी कम यूज किए गए. इसका ये मतलब नहीं है कि स्कल्पचर्स का यूज नहीं हुआ, स्कल्पचर का यूज हुआ, लेकिन अगर हम बाद के पीरियड के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे स्कल्पचर का यूज काफी कम था. ये देखिए, ये है त्रिमूर्ति टेम्पल. अब त्रिमूर्ति टेम्पल के ये पिलर्स आप देख लीजिए, काफी छोटे हैं, बीम्स भी काफी छोटी कहीं यूज की गई है, और यहाँ पे स्कल्पचर ज्यादा यूज नहीं हुए. सिर्फ ये स्कल्पचर्स का यूज किया गया और
उसके अलावा यूसेज नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं, तो ये मंडप जो था, तो मंडप मंदिर को भी, यहाँ पे टेम्पल को भी मंडप बोला जाता है। तो मंडप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, महामंडप अर्ध मंडप। और बाद के पीरियड में अगर देखें तो हम लोग, मंडप एक पार्ट बन गया टेम्पल का, इट वॉज नॉट अ होल टेम्पल, बाद में ये पार्ट बन गया। लेकिन जब हम केव टेम्पल्स की बात कर रहे हैं तो मंडप मीन्स टेम्पल। तो यहाँ पे टेम्पल को दो पार्ट में, महामंडप और अर्ध मंडप में बांटा गया। देन द्वारपालों का जो आइकन है, ये मंडक मंडकापट्टू टेम्पल में भी यूज हुआ, ये बाद के साउथ इंडियन टेम्पल्स में कंटिन्यूसली यूज होता रहा, एक मेन फीचर ये द्वारपाल जो है बन गए। यहाँ पे देख लीजिए, जो हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे थे, तो ये द्वारपालों का जो स्कल्पचर है बाद के साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी देखने को मिलता है। अब महेंद्र स्टाइल के टेम्पल्स अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी सारे हैं। तो पहले तो यही हो गया, लक्षिता यातना टेम्पल, त्रिमूर्ति टेम्पल जो है मंडकापट्टू का हमने बात कर ली। देन कोकरणेश्वर टेम्पल है त्रिकोकर्णम में, देन पल्लावरम में केव टेम्पल है, देन सिंगावरम में रंगनाथ टेम्पल, देन महेंद्रवर्दी में महेंद्र विष्णु ग्रह टेम्पल, देन ममंदूर में विष्णु केव टेम्पल, और तिरुचिरापल्ली में ललित अंकुर पल्लवेश्वर ग्रह टेम्पल। ये कुछ टेम्पल्स महेंद्र स्टाइल के टेम्पल हैं, और भी ज्यादा टेम्पल्स हैं लेकिन हम सब मेंशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो आंसर राइटिंग में भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, दो चार एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम अगला ग्रुप देखते हैं, जो कि ममला ग्रुप बोला जाता है, जिसको नरसिम्हा वर्मन वन ग्रुप बोला जाता है। सो नरसिम्हा वर्मन वन ने पहले महेंद्र स्टाइल में ही टेम्पल्स को एक्सकेवेट किया। देखिए, ये महेंद्र स्टाइल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महेंद्र वर्मन वन के समय में ही सारे टेम्पल्स जो है एक्सकेवेट किए गए थे। और जो महेंद्र वर्मन वन ने कुछ टेम्पल्स जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू भी किया, तो कुछ कंप्लीट नहीं भी हुए, तो बाद के रूलर्स ने उनको कंप्लीट भी किया। तो अब नरसिम्हा वर्मन वन ने एक नया ही स्टाइल जो है बना दिया, महेंद्र स्टाइल से पहले कुछ टेम्पल्स बनाए, देन ही डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल कॉल्ड एज ममला स्टाइल। तो इसको नरसिम्हा वर्मन वन स्टाइल भी बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो पिलर्स थे इनमें थोड़ा सा चेंज आया, हम लोग महेंद्र स्टाइल के पिलर्स को देखते हैं, छोटे थे और यहाँ पे जो पिलर्स हैं देवर टॉलर, कंपेरेटिवली ज्यादा टॉल थे और स्लेंडर भी थे। तो स्लेंडर मीन्स कि जो कारीगरी है वो ज्यादा यहाँ पे शायद बेटर होनी शुरू होगी। और साथ के साथ जो स्कल्पचर्स थे उनमें भी नंबर्स ज्यादा यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब स्कल्पचर्स कौन कौन से यूज हो रहे थे, मेजरली महिषामर्दिनी, वराहा, ब्रह्मा, दुर्गा, इस तरह के स्कल्पचर्स का यूज किया गया। देन उसके अलावा एक और यहाँ पे एक चीज दिखती है, यूनिक चीज है, वो बाद के पीरियड में भी पलवाज में दिखाई देती है। सो महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन अपनी क्वींस के साथ, इनके पोर्ट्रेट भी दिखाए गए हैं एट आदिवराहा केव टेम्पल। तो ये जो अब हम यहाँ पे नीचे सारे टेम्पल्स देख रहे हैं, ये मेजरली ममलापुरम में ही है, महाबलीपुरम के टेम्पल्स है सारे, और नरसिम्हा वर्मन वन के समय में बने थे। अब इनमें कौन कौन से टेम्पल हो गए, एक तो हो गया कोनेरी मंडप, देन वराहा मंडप, महिषासुर मंडिनी केव टेम्पल, देन रामानुजा मंडप एंड पांच पांडव केव टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल्स जो है वो नरसिम्हा वर्मन वन के समय में बने थे, लेकिन इससे ज्यादा बेटर जो इनका स्टाइल दिखा, जो यूनिक स्टाइल दिखा, दैट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रथास। तो रथास क्या है, दे आर मोनोलिथिक टेम्पल्स, हम एक ही बाउल्डर को काट के टेम्पल्स बनाए जाते थे, देवर नॉन एज रथास, और ये मानी जाती है नरसिम्हा वर्मन वन की बहुत बड़ी अचीवमेंट। इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ये देखिए ये पंचरथ टेम्पल है, तो पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आप, पंचरथ जो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं, इसमें मेजर जो महाबलीपुरम में है उसमें से धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये पांच रथ में आते हैं। और भी रथ मोनोलिथिक टेम्पल्स महाबलीपुरम में है, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो एक एंटायर बाउल्डर लेके उसमें एक्सकेवेशन किया गया है, टेम्पल्स को बनाया गया है, और उसी के अंदर एक चैरियट जैसी अपियरेंस आ जाती है, इसीलिए इनको रथा बोला जाता है। ये देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे धर्मराज रथ हो गया, एंड ये हो गया द्रौपदी रथ, ये द्रौपदी रथ सबसे छोटा है एंड धर्मराज रथ सबसे बड़ा है, देन ये भीम रथ हो गया, अर्जुन रथ एंड दिस इज नकुल सहदेव रथ। तो ये रथ जो है जैसा हम बोल रहे हैं एक ही बाउल्डर को काट के बनाया गया है। देन डिसेंट ऑफ द गैंजेस, तो डिसेंट ऑफ द गैंजेस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रॉक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ओपन एयर रॉक स्ट्रक्चर है। तो ये रॉक स्ट्रक्चर दो बाउल्डर्स के ऊपर बनाया गया है, जिसमें डिपिक्ट किया किया जा रहा है कि रिवर गैंजेस स्वर्ग से धरती के ऊपर आ रही है। तो हेवन से अर्थ के ऊपर जो उनका अराइवल हो रहा है रिवर गैंजेस का, भाई बाय भागीरथ और अर्जुन, वो इसमें डिपिक्ट किया गया है।
ये डिपिक्शन है, ये डिसेंट ऑफ द गैंजेस है। तो यहाँ से गंगा नदी नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर्स फॉर डेकोरेशन पर्पज़ यहाँ पे यूज किए गए हैं और कुछ उसमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। तो ये इनको रिलेट किया जाता है विद भागीरथा और कृष्णा, तो इसीलिए ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो पहला तो हो गया डिसेंट ऑफ द गैंजेस, उसके बाद गैंजेस को कौन लेके आया, भागीरथ, या फिर कुछ ट्रेडिशन में अर्जुन, तो इसीलिए ये अलग अलग नाम इनमें मिलते हैं हमें। देन पंचरथ टेम्पल्स के बाद हम आते हैं अगले ग्रुप में, दैट इज ग्रुप ऑफ नरसिम्हा वर्मन टू ग्रुप। देन इसको राजसिम्हा ग्रुप के साथ भी पॉपुलरली जाना जाता है। तो यहां से शुरू होता है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल में अगर देख लेते हैं राजसिम्हा ग्रुप में, तो कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, शोर टेम्पल, ओलाकनेश्वर टेम्पल एंड मुकुंद नायनर टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो ये तीन टेम्पल हो गए स्ट्रक्चरल टेम्पल है महाबलीपुरम में। देन उसके अलावा कैलाश नाथर टेम्पल एट कांचीपुरम, देन कैलाश नाथ टेम्पल एंड तलागिरीश्वर टेम्पल एट पनामलई। तो ये सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजसिम्हा। अब इन टेम्पल्स में गर्भगृह भी मिलता है, पिरामिडल विमान भी है और महामंडप और अर्धमंडप का भी यूज किया गया है, दिखाया गया है। अगर हम शोर टेम्पल के बारे में देख लें, तो शोर टेम्पल है 5-स्टोरीड स्ट्रक्चरल टेम्पल है। किससे बना है, ग्रेनाइट का यूज हुआ है, हार्ड मटेरियल है। और महाबलीपुरम में माना जाता है कि 7 मंदिर थे, 7 टेम्पल्स थे, जिनको 7 पगोडास बोला जाता था। तो 7 पगोडास में से एक शोर टेम्पल है और बाकी कुछ पगोडास जो बचे वो शायद सबमर्ज हो चुके हैं। तो हमारे पास अब एक एग्जाम्पल शोर टेम्पल का उसमें से बचता है। अब शोर टेम्पल में अगर देखा जाए तो ये भी एक टेम्पल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 टेम्पल टोटल है, तो इसमें से एक मेन श्राइन है, बाकी 2 सब्सिडरी श्राइन है। अब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर तीनों श्राइन्स को बनाया गया है और इसका एंट्रेंस अगर देख लें तो ये गोपुरम की जो शेप है, दैट इज बैरल वॉल्ट शेप में ये गोपुरम को बनाया गया है। और शिवा जो है ही इज द मेन डेटी, इनका डिपिक्शन एज लिंगा इसमें किया गया है। ये शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये देख लीजिए, ये पिरामिडल यहाँ पे विमान बनाया गया है और ये काफी स्टोरीज में ये पिरामिडल विमान बना है। देन ये जो क्राउन टाइप की जो चीज है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज शिखर। तो द्रविडियन टेम्पल्स में इस पार्ट को शिखर बोला जाता है। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स नंदी के यूज किए गए हैं, बनाए गए हैं। हमें यहाँ पे तीनों जो श्राइन्स है वो दिखाई नहीं दे रही इस इमेज के अंदर। सो 2 श्राइन्स हमें दिख रही हैं, दिस इज द मेन श्राइन, दिस इज अ सब्सिडरी श्राइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए कांची कैलाश नाथ टेम्पल की हमने बात की, ये सैंडस्टोन से बना है, तो ये सॉफ्ट स्टोन है थोड़ा। अब इस टेम्पल में गर्भगृह भी है, अंतराल भी बना है, दैट इज इनर एंक्लोजर, मंडप और अर्धमंडप तो है ही। देन प्रकार, प्रकार क्या है, सरकम एम्बुलेटरी पैसेज जिसके थ्रू परिक्रमा ली जाती है। देन एक हाई कंपाउंड वॉल भी बनाई गई है और गोपुरम का भी यूज हुआ है, गोपुरम इज एंट्रेंस। अब इमेजेस कौन कौन सी यहां देख लेते हैं, दुर्गा, कार्तिकेय, विष्णु और विष्णु के अवतार नरसिम्हा एंड त्रिविक्रम, देन पार्वती, ब्रह्मा, असुर संहार, शिव तांडव, अर्धनारीश्वर, ये सारे यहाँ पे सरकम एम्बुलेटरी पैसेज में जो है इमेजेस लगाई गई हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिलर्स बनाए गए हैं उसमें स्क्वाटिंग लायंस का यूज किया गया है और ये पल्लवा आर्किटेक्चर का एक टिपिकल फीचर है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी आंसर में। देन शिवा की पेंटिंग एज नटराज, ये तलगरीश्वर टेम्पल में मिलती है और ये सबसे पुरानी रिप्रेजेंटेशन है शिवा की एज नटराज, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तलागिरीश्वर टेम्पल में यूज किया गया था, में डिपिक्ट किया गया शिवा एज नटराज, तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। देन हम लोग आगे देखते हैं, चौथा जो फेज है इसमें नंदीवर्मन टू के समय पे, इनके समय में ये 2 टेम्पल्स देख लीजिए, एक तो हो गया वैकुंठ पेरुमल और दूसरा मुक्तेश्वर टेम्पल, ये दोनों कांचीपुरम में टेम्पल्स। तो नंदीवर्मन टू के समय में इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो नंदीवर्मन टू को पल्लवा मल्लम भी बोला जाता है। तो वैकुंठ पेरुमल पेरुमल टेम्पल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है 3-स्टोरीड, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विष्णु। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का दोनों मटेरियल्स का यूज किया गया है इसमें। टेम्पल का अगर आर्किटेक्चर देखें तो रेक्टेंगुलर प्लान है, ग्रेनाइट की वॉल्स बनाई गई है, गोपुरम बनाया गया है, देन विमान है स्टेप पिरामिडल शेप में एंड आउटर और इनर पराक्रस दोनों बनाए गए हैं। लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट किया गया है इन सीटेड, लाइंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर्स, तो तीनों पोस्चर्स में लॉर्ड विष्णु का डिपिक्शन हुआ है। अब ये इसमें काफी एक दिलचस्प सी चीज है कि इन्होंने लीनेज दिखाया पल्लवास का, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल के अंदर में ये स्कल्पचर्स हैं। तो
पहले तो इन्होंने डिवाइन लीनेज दिखाया, तो डिवाइन लीनेज में क्या हो गया, ब्रह्मा बृहस्पति भरद्वाज द्रोणा एंड अश्वत्थामा, ये हमने देखा स्टार्टिंग में, जो ट्रेडिशन हमने देखा था कि पल्लवा का ओरिजिन कैसे हुआ, तो हमने देखा था उसमें अश्वत्थामा के ही डिसेंडेंट्स अपने आप को बताते हैं ये, तो इस तरह से इन्होंने इसमें लीनेज दिखाया है। देन उसके बाद देखें तो इसमें पहले तो डिवाइन लीनेज हो गया, देन उसके बाद जो एक्चुअल पल्लवा किंग्स है उनका जो लीनेज डिपिक्शन है वो भी दिखाया गया, देन उनको बैटल सीन्स में दिखाया गया, उनका कोरोनेशन कोरोनेशन भी रिप्रेजेंट किया गया। और जब हम डायनेस्टी में देख पढ़ रहे थे, हमने उसमें ध्यान दिया कि नंदी वर्मन 2 12 ईयर्स की एज में ही बिकेम दी रूलर एंड ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ कोलेट्रल ब्रांच ऑफ पल्लवास। तो नंदी वर्मन 2 ने अपने सक्सेशन को भी जो है इसमें डिपिक्ट किया है इस टेम्पल में थ्रू इमेजेस। देन महाभारत के लेजेंड्स को भी रिप्रेजेंट किया है थ्रू इमेजेस ऑफ धर्मराज अर्जुन एंड भीमा। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स अगर देखें तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्टेड हैं। 40 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और हिंदू टेम्पल्स इस ग्रुप में आते हैं। तो इस ग्रुप में मोनोलिथिक रथ जो हमने पहले देख लिया, पांच पांडव रथ है, उसके अलावा कुछ और रथ है, देन केव टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और कुछ रॉक स्ट्रक्चर्स भी महाबलीपुरम के हैं, जो ये मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में गिनी जाती हैं। तो धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये तो पार्ट हो गए पंच रथ ग्रुप के। इसके अलावा गणेश रथ, बलियानकुट्टई रथ और दो पिंडारी रथ है जो रथास का पार्ट बनाते हैं, ये रथास भी महाबलीपुरम में है। तो ये पिंडारी क्या था, पिंडारी इज अ गॉडेस, ये गॉडेस कंपेनियन है शिवा की, तो इनके लिए भी जो कुछ रथ है एट्रीब्यूट किए गए हैं। देन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि केव टेम्पल्स जो है महाबलीपुरम के, उसमें कौन कौन से मेजर टेम्पल्स हैं। पांच पांडव टेम्पल, कृष्णा, धर्मराज, महिषासुर मर्दिनी मंडप, वराह मंडप, रामानुजा मंडप, कोटिकल टेम्पल और कोनेरी मंडप, ये सारे केव टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम में जो पल्लवास के टाइम पे बनवाए गए थे, और इनमें से कुछ का मेंशन हमने पहले भी कर दिया है जब हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। तो आगे हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखते हैं, तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में जो मेन टेम्पल्स हैं उसमें शोर टेम्पल, औलकनेश्वर टेम्पल, देन मुकुंद नायनर टेम्पल, ये सारे राजसीमा के समय पे बने थे, ये भी महाबलीपुरम में ही सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं। देन डिसेंट ऑफ द गैंजेस के बारे में हमने देखा, और उसमें देखा कि किस तरह से भागीरथ को बोला जाता है कि वो गंगा को पृथ्वी पे लेके आए थे, वो एक ओपन एयर रॉक रिलीफ है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर रॉक रिलीफ है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसेंट ऑफ द गैंजेस। देन उसके बाद एक कृष्णास बटर बॉल है जो कि एक रॉक है, हम लोग आगे देखते हैं, इसको वान इराई कल भी बोला जाता है, ये एक ग्रेनाइट बाउल्डर है, तो एक स्लोप पे खड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, ये कृष्णास बटर बॉल, तो ये यहाँ पे बड़े छोटे एरिया के ऊपर ये किसी तरह से स्टेशन हो रखा है, ये देख लीजिए, ये बाउल्डर है, एक स्लोप के ऊपर है और ये एक प्लिंथ नीचे बना हुआ है उसके ऊपर, जिसकी हाइट 4 फीट हाइट है इसकी, उसके ऊपर ये बाउल्डर टिका हुआ है, तो ये कृष्णास बटर बॉल है, ये भी महाबलीपुरम में एक स्ट्रक्चर है। देन हम लोग आते हैं पल्लवास के समय पे लिटरेचर और एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो पल्लवास खुद भी लर्निंग को पैटर्नाइज कर रहे थे, लर्नर्ड मैन को पैटर्नाइज कर रहे थे, और उनमें से भी हमने देखा कुछ काफी लर्नर्ड मैन पल्लवा डायनेस्टी में भी आते थे। देन सिम्हा विष्णु के बारे में अगर देखें, जो फाउंडर थे, जो लेटर पल्लवा डायनेस्टी है, जो मेजर डायनेस्टी है, तो सिम्हा विष्णु उसके फाउंडर थे, उन्होंने भारवी को पैटर्नाइज किया, भारवी कौन थे, ही वॉज ऑथर ऑफ कीर्ता अर्जुनेया, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। देन महेंद्र वर्मन 1 ने कांचीपुरम में एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करवाई, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जहाँ पे बुद्धिज्म, वेदा और जैनिज्म की फिलॉसफी को पढ़ाया जाता था, और इनके यूनिवर्सिटी बनाने से पहले ही कांचीपुरम घाटी का जो थी दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंशियंट लर्निंग सेंटर, तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। और अगर हम देखें तो इसमें देखिए मयूर शर्मा जो कदम्बा डायनेस्टी के फाउंडर थे, देन उसके बाद बुद्धि स्कॉलर दिगनागा हो गए, देन बाद में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बने धर्मपाल, वो भी कांचीपुरम से ही पढ़े हुए थे, तो धर्मपाल एक प्रोपोनेंट भी रहे योगाचार स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कांचीपुरम से एसोसिएटेड थे फॉर एजुकेशन। देन पल्लवास का एक यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रंथा स्क्रिप्ट भी रहता है, तो ग्रंथा स्क्रिप्ट जो स्टार्टिंग की ग्रंथा स्क्रिप्ट है वो उसको बोला भी पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट ही जाता है, तो पल्लवा ग्रंथ स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे ये टू राइट संस्कृत टेक्स्ट, तो संस्कृत लैंग्वेज का यूज हो रहा था लेकिन स्क्रिप्ट यूज हो रही थी ग्रंथा। देन कॉपर प्लेट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस, देन टेम्पल स्टोन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन किए जा रहे थे उसमें भी ग्रंथा स्क्रिप्ट का
यूज किया जा रहा था। तो कुछ इस तरह से दिखती है ग्रंथा स्क्रिप्ट। ये एक स्टोन स्लैब के ऊपर ग्रंथ स्क्रिप्ट जो है उसमें कुछ लिखा हुआ है और ये उसके लेटर्स हैं। देन आगे देखते हैं, महेंद्र वर्मन ने एक संस्कृत प्ले लिखा था मत विलास प्रहासन, इसके बारे में भी हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। देन कुछ शैव नयनर जो सेंट्स थे उनमें हो गए संबंधर हो गए अपर हो गए देन सुंदरर, ये सब पल्लवा पीरियड में ही थे और इनको पैटर्नाइज भी किया था पल्लवाज ने और इन्होंने कंपोज किया थेवरम को। थेवरम क्या है? दैट इज अ टेक्स्ट जिसमें कि तिरुमुरई की पहली 7 वॉल्यूम्स आती है। अब तिरुमुरई क्या है? तिरुमुरई है एक कंपाइलेशन है और 12 वॉल्यूम है इसमें, डिवोशनल पोइट्री है शैवास की। तो शैव सेंट्स ने ये लिखे तिरुमुरई और तिरुमुरई का एक पार्ट बनता है तेवरम जिसमें 7 वॉल्यूम्स है जो तिरुमुरई की है। तो ये तेवरम के मेजर ऑथर्स जो हैं वो गए संबदर देन अपर एंड देन सुंदरर। अब इनमें से जो राज सीमा है दैट इज नरसिम्हा वर्मन टू, इनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है एज कलर सिंगा नयनर। तो ये भी एक शैव सेंट थे। देन उसके बाद नरसिम्हा वर्मन टू ने ही पैटर्नाइज किया दंडिन को। दंडिन इज ऑथर ऑफ काव्य दशा, दशकुमार चरित्र एंड अवंती सुंदरी। तो हम लोग सारा जो लिटरेचर का पार्ट है यहाँ पे एक साथ अब रीड कर रहे हैं, ऑल्दो इसमें से कुछ पार्ट हम लोग पहले भी डायनेस्टी के समय डिस्कस कर चुके हैं। देन महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नंदी वर्मन टू। नंदी वर्मन टू ने पैटर्नाइज किया था पेरुन देवनर को। तो पेरुन देवनर ने ट्रांसलेट किया महाभारत को इन तमिल एंड नेम्ड इट एज भारत विनबा। उसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे शैव सेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शैव सेंट्स के अलावा वैष्णव सेंट्स भी इस समय इन्होंने कॉम्पोजिशंस करना शुरू कर दिया था। इन्होंने नलायार दिव्य प्रबंधम में ये पोएम्स को कंपाइल किया। सो वैष्णव सेंट्स को क्या बोला जाता था? अल्वर्स। बाद में इनका सारा कंपाइलेशन हुआ था तो इस समय ये कंपोज कर रहे थे इनको, और कुछ जो पोएम्स हैं वो पल्लवा पीरियड की भी मिलती हैं। अब ये जो पूरा प्रबंधम है ये कलेक्शन है 4000 तमिल वर्सेस का और 12 अल्वर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। ऑल दो ये सब चीज़ें हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग शैविज्म एंड वैष्णविज्म, तो कैसे विस्तार हुआ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके साथ वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। तो इसको यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं आज। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।